चौथी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस, देख लें ये भी मुत्तफकुन अलैह हदीस। सही बुखारी 6864, सही मुस्लिम 4381। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्यामत वाले दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। अल्लाह अकबर। सुन अबी दाऊद में एक रवायत आती है, सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, लेकिन वो हुकूकुल्लाह के बारे में, हुकूकुल इबाद के मामले में सबसे पहले कत्ल के मुकदमे की पैरवी होगी। जाहिर है किसी शख्स के सबसे बड़ा हक सलब करना यह है कि आप उसको जिंदगी की नेमत से महरूम कर दें, इससे बड़ा क्या जुर्म हो सकता है हुकूकुल इबाद में, बाकी सारे जुर्म छोटे हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इस्लाम के नाम के ऊपर कत्ल कर दे, लिसानियत की बुनियाद पर, सियासी पार्टी की बुनियाद के ऊपर कत्ल कर दे। वलियाज़ बिल्लाहि ताला। पांचवीं हदीस भी सही बुखारी की 3166। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ये देखें कितना खतरनाक मामला, जिसने किसी जिम्मी को कत्ल किया, जिम्मी वो काफिर होता है जो मुसलमान हुकूमत में जिजिया देकर रह रहा हो, काफिर, काफिर को कत्ल किया, मुसलमान नहीं, जिम्मी को जिसने कत्ल किया, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से भी सूंघी जा सकेगी। ये काफिर को नाहक कत्ल करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, वो खुशबू जो 40 साल से के फासले से सुनी है। ये बुखारी है भाई, वो मौलवी की लिखी हुई किताब नहीं है। सही बुखारी 3166। और यहां कह रहे जी इतने हिंदू भड़का दो तो फलां कर दो तो वो कर दो, खुदा के लिए यार क्या मामला होने वाला है। वलियाज़ बिल्लाह ताला, वलियाज़ बिल्लाह ताला, ये बहुत सख्त मामला है। और सूरतुल माईदा की आयत नंबर 32 डेंजरस तरीन आयत है इस हवाले से। आपके कुरान पाक में 114 नंबर पेज ये निकाल लीजिए और ये सुनाए इन लोगों को जिन लोगों को समझ नहीं आ रही। 32 नंबर आयत, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के कत्ल का जिक्र किया कि एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इस वजह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल माईदा आयत नंबर 32, 114 सफे से शुरू हो रही है, मिन अजली दालिक, इस वाक्य की वजह से जो काबील ने हाबील को कत्ल किया था, कतबना अला बनी इसराइल, हमने ये बात तय कर दी थी बनी इसराइल के लिए, बिल्कुल क्लियर कट तय कर दी थी। और बनी इसराइल की ही कंटिन्यूशन है उम्मत मुहम्मदिया की जो शरीयत है, अन्नहु मन कतला नफसम बिगैर नफ्स, के जिस शख्स ने भी जान के बदले जान के अलावा अगर किसी को कत्ल किया, औ फसादिन फिल अर्द, या फसाद फिल अर्द के कॉन्टेक्स्ट के अलावा किसी को कत्ल किया, कोई जमीन में डाका आदि मुजरिम है, डाके डालता है, लोगों को कत्ल करता है, उन दोनों को अगर कानून कत्ल करे वो तो जायज, इन दो सूरतों के अलावा अगर कत्ल किया, फका अन्नमा कतलन नास जमिया, तो गोया के उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करके रख दिया, मुसलमान को कत्ल नहीं, इंसानियत, पूरी इंसानियत को, अगर एक इंसान ने दूसरे इंसान को नाहक कत्ल किया। वमन अहयाहा, और जिसने जिंदगी बख्शी, जिसने जान बचाई किसी एक की, फका अन्नमा अहया नास जमिया, तो गोया के उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली, एक इंसान की जान बचाना, मुसलमान नहीं, एक इंसान की जान। और यह वो आयत है जो कि हॉस्पिटल के बाहर लिखी होती है और अंदर बदमाश डाकू किस्म के डॉक्टर्स बैठे होते हैं और बाहर आयत लगाई हुई होती है, जिसने एक जान को बचाया पूरी इंसानियत को बचाया, और अंदर जनाब इंसानियत को मारने के असबाब कर रहे होते हैं, इतनी इतनी फीसें लेते हैं कि एक गरीब आदमी जो है उसकी बीमारी जो है वो इस एक्सट्रीम पर चली जाए कि उसकी जान ही चली जाए सिर्फ उसकी फीस सुन के। वलियाज़ बिल्लाह ताला। तो अब ये जो मामला आज हो रहे हैं, आपको पता है कुछ अरसा पहले यहां पेशावर में चर्च के ऊपर हमला हुआ, तो यहां की जो जिहादी तंजीमें हैं उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं हमला किया, लेकिन साथ ही कहते हैं लेकिन जिसने किया है शरीयत के मुताबिक किया है। और ये कौन सी शरीयत है? शुक्र है शरीयत इस्लामिया नहीं कहते, शरीयत इनकी, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक जो था वो मैंने तो आपको सुना दिया, ठीक है। इनको बताएं कि ये शरीयत तो ये कहती है कि एक जिम्मी काफिर को भी कत्ल करने वाला, सही बुखारी 3166, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि 40 साल की मुसाफत से खुशबू आती होगी। और ये आयत भी आपने सुन ली कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो जिसने किया शरीयत के मुताबिक किया। तो फिर अगर यही बात यूरोप और अमेरिका वाले ले लें, जहां तेजी से इस्लाम फैल रहा है,
तो वो भी फिर जितनी नई मस्जिदें बन रही हैं उन पे बम मारने शुरू कर दे, अमेरिका भी और यूरोप भी, फिर हमें भी कोई एहतजाज नहीं करना चाहिए। वो कहेंगे जी हमारे पास यहाँ क्रिश्चियनिटी की हुकूमत है, हमारी मर्जी, हम मस्जिदों पर हम अपनी शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं। और खुदा के लिए अकल के नाखून लें। इसीलिए मैंने आज के दौर के एक लीडिंग एथियस्ट रिचर्ड डॉकिंस ने जो किताब लिखी द गॉड डिल्यूजन, उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, तकरीबन 2 घंटे की गुफ्तगू, मसला नंबर 83B के नाम से, हु क्रिएटेड गॉड और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा। उसमें उसके जितने भी एतराजात थे उनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी तरीके से एड्रेस किया है इस हवाले से। छठी हदीस जामिया तिर्मजी, सुन निसाई और सुन इब्ने माजा की सही हदीस, तिर्मजी में 3029, निसाई 3999, इब्ने माजा 2621 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे क्यामत मकतूल शख्स जिसको दुनिया में ना हक कत्ल किया गया होगा वो अपने कातिल को पेशानी और सर के बालों से पकड़ के घसीटता हुआ इस हाल में कि उस शख्स की रगों से खून बह रहा होगा, जिसने कत्ल किया होगा उसका खून उस वक्त भी बह रहा होगा, उसी तरीके से उसकी मजलूमियत उस पर नजर आ रही होगी। तो वहां पर मकतूल कातिल को पेशानी के बालों और सर से पकड़ के घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के करीब पहुंच जाएगा और कहेगा ए रब मुझे आज इंसाफ दिला कि इस शख्स ने मुझसे जिंदगी की नेमत क्यों छीनी थी दुनिया के अंदर। बोले आज़ बिल्लाह ताला। अब आप देखें कि क्या मामला उसके साथ फिर होगा जब यह हालत होगी कि अल्लाह के अर्श के करीब पहुंच जाएगा। इसलिए वो बुखारी और मुस्लिम की हदीस में पहले बयान कर चुका क़यामत अल दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। ये भाइयों इसको आसान ना समझें। 7वीं हदीस इतनी खतरनाक, जामिया तिर्मिजी में 1395, सुन निसाई 3987, सुनन इब्ने माजा में 2619 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के नजदीक पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देना यह कम है और एक मुसलमान को कत्ल कर देना इससे भी बड़ा जुर्म है। पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे ये अल्लाह ताला के नजदीक उतना बड़ा फसाद नहीं जितना एक मुसलमान का कत्ल। लेकिन यहां कितना हल्का है, एक चिड़िया मार दिया, इंसान मार दिया, बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। 8वीं हदीस सुन नबी दाऊद में 4270, सुन निसाई में 3984 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बहुत क्रिटिकल हदीस थी इसको मैंने एंड पे रखा है और ये बहुत कड़वी है, शायद मुश्किल से हमें हजम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर देगा सवाए इसके कि कोई शख्स शिर्क की हालत में मरा या सवाए उस शख्स के जिसने जानबूझ के किसी दूसरे को कत्ल किया। देख लें, अब आप समझ लें उस आयत का मतलब जो सूरतुन निसा की आयत नंबर 48 और 116 में आया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह, अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क करे। लेकिन इसके अलावा जो गुनाह है माफ कर देगा लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा, तो नहीं चाहेगा तो नहीं माफ करेगा। और वो हुजूर ने इशारा दे दिया कि या तो मुशरिक फंस गया क्यामत वाले दिन या किसी इंसान को ना हक कत्ल करने वाला। ये ना हो कि हमारी दाढ़ियां, हमारी नमाजें, हमारी पगड़ियां, हमारे कुलूते नाजला पकड़ के हमारे मुंह पर मार दिए जाए अगर किसी इंसान को ना हक कत्ल किया, इंसान को, और मुसलमान को कत्ल करना तो बहुत बड़ी बात है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क करे। हाँ, इसके अलावा कोई गुनाह है तो माफ कर देगा लेकिन जिसके लिए चाहेगा, वो भी ओपन लाइसेंस नहीं है और वो किसी ना हक किसी को कत्ल किया। वले आज़ु बिल्लाहि तआला। और सूरत निसा की 93 नंबर आयत में पहले भी पढ़ चुका कि जिसने जानबूझकर किसी मुमिन को कत्ल किया हमेशा दोजख में रहेगा और उस पर अल्लाह की लानत होगी और बड़े अजाब पर मुसल्लत किया जाएगा उस पर। और उसी भी मेरी मसला नंबर 28 के नाम से गुफ्तगू है, कत्ले मुस्लिम की मुजम्मत और खुदकश हमलों की शरी हैसियत। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। अब ये 8 हदीसें तो मुकम्मल हुई, एक आखिरी हदीस मैसेज के तौर पर है, इसमें मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होती है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। और ये हदीस किस मौके पर है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबात में से। सही बुखारी में 4406, सही मुस्लिम 4383, हज्जतुल वदा वाले चैप्टर में।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर को एक खुतबा दिया। एक तो आपने मैदान अरफात में खुतबा दिया था 9 ज़िलहिज्जा 11 हिजरी में, 10 हिजरी 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी। एक उससे अगले दिन जो कुर्बानी का दिन था यानी 10 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया। उस खुतबे में काफी अल्फाज हैं, वो डिटेल से मैंने मसला नंबर 66A में बयान किया है, मुहर्रम और वाकया करबला से मुतालिक 5 इल्मी पॉइंट्स। लेकिन उसका कुछ हिस्सा मैं यहां पर जरूर बयान करता हूं। बुखारी और मुस्लिम का मुत्तफकुन अलैह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबों में से हज्जतुल वदा का खुतबा और यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा का, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुम्हारी जान नंबर एक, नंबर दो तुम्हारे माल, नंबर तीन तुम्हारी इज्जतें, एक मुसलमान की ये तीनों चीजें जान माल और इज्जत दूसरे मुसलमान के लिए हराम है, इनकी हुर्मत उसी तरीके से है अल्लाह के हुजूर जिस तरह आज इस महीने जुल्हिज्जा की हुर्मत और इज्जत है अल्लाह के हुजूर, इस शहर मक्का की इज्जत और इस आज के दिन की इज्जत है अल्लाह के हुजूर यौमुन नहर की। बिल्कुल, अब हम इबादतों में तो बड़े शेर होते हैं, ये लोग कहते हैं जनाब हम जो है वो जुल्हिज्जा का महीना हुर्मत वाला महीना है और मक्के का शहर बड़ा मुतबर्रिक है और इसी तरीके से जो यौमुन नहर है वो बड़ी बरकत वाला दिन है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस तरह जिस तरह इन चीजों की इज्जत कर रहे हो अल्लाह के नजदीक इसी तरह इज्जत है एक मुसलमान की जान माल और आबरू की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया देखना मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दो। वाज़े अल्फाज, मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दो और बताओ क्या मैंने अपने रब का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया। सब ने कहा भला या रसूल अल्लाह पहुंचा दिया ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना। और फिर फरमाया कि अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दीन के पैगाम को हर उस शख्स तक पहुंचा दो जो यहां पर मौजूद नहीं। बल्लिगु अन्नी वलव आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से ख्वाह एक आयत ही क्यों ना हो। ये तो मौलवियों ने बाद में कहा जी डिग्री चाहिए दीन का काम करने के लिए, हुजूर तो कह रहे हैं एक आयत भी आती है तो पहुंचा दो, हुजूर ने हमें डिग्री दे दी हुई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये उम्मत उम्मत दावत है तो इसको तो डिग्री हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, इन मौलवियों की डिग्री की हमें जरूरत है? हमें अगर एक आयत भी एक बात भी सही पता है वो हम दूसरे मुसलमान तक पहुंचाएंगे। मौलवी तो नहीं पहुंचा रहे क्योंकि उनकी रोटी दीन के साथ जुड़ी हुई है, वो तो रोटी को सामने रख के कोई बात बताते हैं जिससे रोटी बंद ना हो, और इसलिए मुसलमानों को जो है वो डिवाइड करके रूल कर रहे हैं और हम इनके हत्थे चढ़े हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन मौलवियों के, इन पार्टियों के, इन तंजीमों के फितरों से हमें महफूज फरमाए, और जो अहले हक हैं जो काफिरों के खिलाफ किताल कर रहे हैं उन पर काफिर मुसल्लत हैं, हम उनके साथ हैं, उनके लिए दुआगो हैं। हम किताल की मजम्मत नहीं करते माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अपना ईमान बर्बाद करने वाली बात है, लेकिन एक मुसलमान का इस्लाम के नाम पर दूसरे मुसलमान कलमा गो को कत्ल करना और उसका यह समझना कि मेरे फिरके के अलावा सारे काफिर वाजिबुल कत्ल और गुस्ताखे रसूल और मुशरिक है, ये मामलात ये आपने देख लिया कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये बड़े बड़े मौलवी आपको दोजख में ही नजर आ रहे होंगे हजरत साहब, जो दुनिया के अंदर बड़े बुजुर्ग बने हुए थे इल्ला माशाल्लाह वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए, अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।